देवी और सज्जनों नमस्कार। नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी सीरीज के एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ अगरतला की राजधानी त्रिपुरा में। इस वाले व्लॉग में हम जा रहे हैं उदयपुर, हिमाचल का या राजस्थान का उदयपुर नहीं, इस वाले व्लॉग में हम जाएंगे त्रिपुरा के उदयपुर में। त्रिपुरा का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है, दैट इज़ द त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, वो वहीं पे है। तो इस वाले व्लॉग में हम सबसे पहले एक बस जर्नी करने वाले हैं फ्रॉम अगरतला टू उदयपुर, एंड देन जो लोग बोलते हैं कि आप घुमाते नहीं हो, तो इस वाले व्लॉग के एंड में आपके लिए रहेगा उदयपुर का टूर, जिसमें त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, एक राजबाड़ी और त्रिपुरा का जो साइंस सिटी टाइप है या साइंस सेंटर है वो। बाकी बता दूँ, त्रिपुरा भी एक बेहद ज़्यादा अंडररेटेड स्टेट है घूमने के लिए। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी ऑफबीट जगह है जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। एक बार डिस्क्रिप्शन में मैं नाम दे दूंगा कुछ ऑफबीट जगहों की, बट आप निर्मल ले लीजिए। मतलब सुबह के अभी 8:20 हो रहे हैं, बस के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। आज सुबह ऐसा हो रहा था कि उठने का ही मन नहीं कर रहा था। टेम्परेचर इज 30 डिग्रीज, गर्मी तो है बहुत। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ बोटतला में, पिछली बार भी बस यहीं से पकड़ी थी। एंड कल रात को मैं जब स्टेशन आया, मेरे को एक सर मिले, सब्सक्राइबर थे, और उन सर से मिलकर मैं इतना खुश हुआ। उन सर को अभी भी याद है कि यहाँ पे एक ऑटो वाले ने मुझे 50 रुपये का चूना लगाया था। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग ऐसे फॉलो करें। सर से मैंने बोला था कि आज मुझे बेलोनिया जाना है, तो उन्होंने बोला था कि सबरूम की जो बस है वो 8:30 बजे आती है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यही है बोटतला एरिया। यहाँ से उदयपुर है लगभग 40-45 किलोमीटर, जो कि हम 1 या 1.25 घंटे में पूरी करेंगे। रोड अच्छा है काफ़ी अच्छा। जो TRTC की AC बस है ना उदयपुर जाने के लिए, वो सबरूम वाली बस है, वो सुबह निकलती है 6:30 बजे। पिछली बार भी वही टाइम पे निकले थे, टाइम को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो आज TRTC में तो नहीं, आज जाएंगे किसी प्राइवेट बस में। उन्होंने बोला है कि ब्रिज जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं पे बस चलती है। उदयपुर दादा अच्छा, बस मिली है मुझे सुबह 9:15 बजे की, एंड टाटा मार्को बोलो की AC बस है, थोड़ा सा सिटी बस जैसा ही है। एंड ये जा रही है सबरूम, जो कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे है। लास्ट ईयर मैं आपको वहाँ पे लेके गया था। उदयपुर होके जाती है तो मैं इसी में बैठ गया। बाकी देखिए टी गार्डन्स वगैरह। बाकी जो है गर्मी बहुत हो रही है, आई थिंक अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहिए था। अभी उदयपुर पहुँच के जो है धूप धूप में घूमना पड़ेगा, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा थक गया था, काफ़ी दिनों से ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मैंने सुबह रेस्ट ले लिया। एनीवेज फिलहाल तो AC चल ही रहा है। अच्छा, सुबह के 10:30 हो रहे हैं। एक्चुअली बस एक जगह 20 मिनट के लिए रुक गई थी उदयपुर सिटी में ही, एंड ये टेम्पल सिचुएटेड है माता बाड़ी में, उदयपुर से थोड़ा सा दूर। जो फेयर मुझे लगा वो है 60 रुपीज़ AC बस में, एंड AC बसें टाइम टू टाइम चलती रहती है, बट नॉन AC बसेस की फ्रिक्वेंसी बहुत है। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अर्ली मॉर्निंग जो TRTC की बस है ना 6:15 पे फ्रॉम बागतला, वही लीजिए। यहाँ पर एकदम अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे, फिर दर्शन वर्शन करके वापस जा सकते हैं। अभी देखिए कितना धूप हो रहा है। बाकी मैंने देखा है कि त्रिपुरा में अगरतला में जो टाटा मार्को पोलो का मार्केट है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत सारी बसें देखी टाटा मार्को पोलो की। यहाँ पे बस ने उतार दिया मंदिर के सामने ही, मंदिर वहाँ पे है, तो चलते हैं दर्शन करने। यहाँ पे मंदिर में ना थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है, 1 साल पहले आके भी मैंने यही देखा था। यहाँ पे मंदिर के सामने ही जो है आपका एक पेड़ा भंडार है, जहाँ पे आप मिठाई फूल या कुछ भी खरीद सकते हो चढ़ाने के लिए। तो मैंने कुछ फूल मिठाई और अगरबत्ती लिए। बाकी इस टेंपल को माताबाड़ी टेंपल भी बोला जाता है। जो 51 यानी 51 शक्ति पीठाज हैं, उनमें ये मंदिर एक है। एंड यहाँ पे जो है अंदर एक पौंड है, जहाँ पे टर्टल्स और फिशेज हैं, उनको चाहो तो आप प्रसाद में जो मूढ़ी होता है और जो बिस्किट होता है वो चढ़ा सकते हो।
अच्छा चलते हैं दर्शन करने। चलिए जी दर्शन हो गए एंड जो टीका लगाया वो भी मतलब पसीना पोंछने गया था तो याद नहीं रहा। अब जाएंगे उदयपुर के दूसरे जगह घूमने, एक और टेम्पल है माता भुवनेश्वरी का, वो भी दिखाएंगे, बट पहले कुछ खा लो क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया। एंड यहाँ पे देखिए सब कुछ रेनोवेट हो रहा है, एक बार चलते हैं उस पॉन्ड पे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यही वो पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे फिशेस दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ डालो मत पॉन्ड में। अच्छा है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने की जरूरत भी हमें ही है। थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे खा पी लिया है, एक सोडा पिया है एंड पानी पूरी बढ़िया था लेकिन सोडा एकदम ही बकवास। फिलहाल चलेंगे माँ भुवनेश्वरी मंदिर में, यहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा एंड धूप ना एकदम सर पे है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं उदयपुर का टूर एंड वापस चलता हूँ अगरतला। आज मुझे एक सीख ज़रूर मिली, सीख ये है कि जब भी व्लॉग करो ना और पूरा दिन हो मतलब टाइमिंग पे कोई बाधा ना हो तब या तो सुबह करो या फिर शाम को, क्योंकि आफ्टरनून टाइम में करोगे तो धूप एकदम सर पे रहेगी, इसलिए कैमरा किधर भी घुमा लो चेहरे पे रोशनी नहीं आएगी। अब सुबह हो या शाम किसी भी एक साइड घुमाने पे चेहरा थोड़ा ना अच्छा दिखता है, रोशनी आ जाती है चेहरे पे। अभी देखिए क्या ब्लैक हो रखा है। यहाँ पे आ गया हूँ माता भुवनेश्वरी टेम्पल पे एंड इस साइड जो है आपका राजबाड़ी है, वो रहा भुवनेश्वरी टेम्पल एंड यहाँ पे है त्रिपुरा का एक राजबाड़ी मतलब राज पैलेस। तो पहले एक बार मंदिर चलते हैं। ये माता भुवनेश्वरी देवी टेम्पल और ये मेन उदयपुर सिटी से थोड़ा सा ऊपर है। अब चलते हैं ये पुरानी राजबाड़ी देखने। अच्छा यही है राजबाड़ी, यहाँ पे मेनली तो लोग फोटो खिंचवाने ही आते हैं। हाँ वैसे बहुत ही ज्यादा फोटोजेनिक लोकेशन है। अब बस करते हैं साइंस सिटी का एक छोटा सा टूर और एंड करते हैं इस व्लॉग को। ये है उदयपुर का हैंगिंग ब्रिज, इसी से हमको साइंस सिटी की ओर जाना है। नज़ारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारा है, कुछ फिशिंग बोट्स भी है। वैसे ये है जी गोमती रिवर एंड उदयपुर भी गोमती डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। चलते हैं साइंस सिटी देखने। यहाँ पे टिकट लगा 20 रुपीज का, कल मेरी फ्लाइट है कोलकाता की, कल शाम को 7 या 8 बजे पहुँचूंगा घर। थोड़ी बहुत ना तबीयत ख़राब हो रही है आई गेस, पानी पूरी ने अपना काम कर दिया। यहाँ से निकल के थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ेगी एंड साइंस सिटी बहुत छोटा सा है कंपेयर टू कोलकाता या कोई और सिटी, बहुत ही छोटा सा है।
हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। अच्छा यहाँ पे है म्यूज़िकल ट्यूब्स, तो मैं बचपन में हारमोनियम सीखता था तो वहाँ पे जनगण मन आता था मेरे को और बहुत सारी चीज़ आता था, लेकिन जनगण मन है जो अभी भी याद है मुझे। हारमोनियम में क्या होता था, बेसिकली ये दो होते थे फिर ये नीचे होता था और यहाँ पे कुछ होता था, तो यहाँ वाला मिसिंग है उस हिसाब से थोड़ा देख लेना। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उनके बारे में सब जानकारी है, कहाँ क्या कल्टीवेशन होता है, कहाँ का क्या ट्रेडिशन है, कहाँ क्या फेमस है, सब कुछ ईच एंड एवरी डिटेल। बस जी अभी देखिए शक्ल कितनी अच्छी हो रही है, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त नहीं है, अभी धूप एक तरफ चली गई। तो इस वाले व्लॉग को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। छोटा सा व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर थोड़ा सा बस का क्रू कोऑपरेट करता वीडियो बनाने में तो बस जर्नी भी दिखा देता, मगर जर्नी देखनी होगी इस रोड से तो मेरी पिछले साल की वीडियो देख लीजिए, अगरतला से सबरूम NTRTC बस, बढ़िया व्लॉग था और उसमें मैंने इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर भी दिखाया था। और पिछले साल जब मैं सबरूम गया था ना, वापस आते टाइम मैंने ट्रेन में ब्लॉग बनाया था मगर वो डाला नहीं था, इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट हर सेम सिटी से होकर आए थे तो बातें जो मैंने बताई थी सेम बातें बताई थी, इसलिए मुझे लगा आप लोग बोर हो जाओगे तो मैंने वो ब्लॉग डाला नहीं और आज तक मौका नहीं मिला वो ब्लॉग डालने का। तो ऑलमोस्ट एक साल पुराना ब्लॉग आप लोग नेक्स्ट वाले एपिसोड में देखोगे, बताना ज़रूर कि उस टाइम के बाद क्या मैं इम्प्रूव कर पाया हूँ या क्या मैं डिग्रेड हो गया हूँ। तो मिलते हैं उस वाले ब्लॉग में, सबरूम से अगरतला इन डेमो ट्रेन। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें। तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।